शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी है। वह मीटिंग रखी है। मीटिंग के अंदर तमाम जी की कोविड महामारी के दौरान तमाम अधिकतम संसाधन मिले और कोविड रोगियों ने अधिकतम सुविधा मिले, ऐसी तमाम चीज़ों पर है जी की चर्चा करी जी है। और मीटिंग है जी की जिला परिषद सभागार में हुई ही। और ताउते चक्रवात तूफान है बैंक खातर बिंग मैंने निम्न बिंदु वहाँ पर समीक्षा है बा करीजगी। और जिले में ऑक्सीजन रेमडेसिविर सहित दवाओं संसाधन कमी नहीं आवे, यहाँ पर भी बातचीत है बा करीजगी है। बैठक में चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, SP नारायण टोगे, सभापति पायल सैनी, चूरू प्रधान दीप चंद्र राठ, SDM PR मीणा, CO सत्तार खान, AEO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, SDM अभिषेक खन्ना, डिस्कॉम AN KK कसवां चलता विभाग अधिशासी अभियंता राम कुमार झाझड़िया, परिषद आयुक्त CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर HF गोरी, मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य गजेंद्र सिंह आदि मतलब जनप्रतिनिधि मौजूद था। कई मुद्दा ऐसा हाँ जिसका वास्तविकता में जिले में अब मौजूद है, वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम मंत्री है जिसका चर्चा करी। और एक बाद में अपने सुधारने की भी आश्वासन है वो मिलियो है। की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं चूरू जिले में, जिला स्तर के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और जैसा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि राजस्थान में कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती है वो सरकार की तरफ से ज़्यादा की जाए, और उसी दिशा में हमने कोविड की चूरू ज़िले की परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की है। और जो जो मुद्दे इस मीटिंग में उठाए गए हैं, जो बातें हमारे ध्यान में लाई गई है, मैं कहना चाहूँगा कि उसका जल्दी से जल्दी हम समाधान भी करेंगे। और अभी जो चूँकि तूफान की शुरुआत का जो जो राजस्थान में जो एक चेतावनी दी गई है तो उसको लेकर में भी हमने पूरी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे हॉस्पिटल्स में जनरेटर आदि की पूरी तैयारियां रखें और हर तरह से लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। कोविड को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा, CMHO के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। पूरी टीम, चाहे पुलिस की टीम है, चाहे हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं।